सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई कैसे आप सब लोग, होप सो सब बढ़िया ही होंगे। तो भाई आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है इस बॉक्स के ऊपर। इस बॉक्स के अंदर है कैडेंस का यूकेलेले जो कि मैंने अमेजोन से मंगाया था। तो चलो आज इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके देखते हैं कि कैसा है ये। अरे यार एक मिनट, वो कुछ कहना चाहता है। वो मैं कह रहा था हर सेंटेंस खत्म करने के बाद ठीक है तो बोल दे। ये भी ठीक है। तो ये है हमारे यूकुलेले का बॉक्स और पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टर्डी है। तो अब इसको ओपन करके देखते हैं इस बॉक्स को। ओके, बॉक्स के अंदर बॉक्स, डब्बे पे डब्बा, और इस दूसरे वाले डब्बे पे कैडेंस की ब्रांडिंग हो रखी है। और ये बॉक्स भी काफ़ी स्टर्डी लग रहा है। चलो अब इसे ओपन करके देखते हैं। ओके, काफ़ी प्रोटेक्शन का ध्यान दिया गया है। ये देखिए, प्रोटेक्शन के लिए एक और ये स्पंज दिया गया था यहाँ पर, और ये है एक ट्यूनर, और इसके साथ ये हमारा यूकेलेले, उसके बैग, और ये हमें एक वारंटी कार्ड मिला है। ठीक है, इसको स्कैन करके 6 मंथ की हमें एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी अपने यूकेलेले पे। और चलो अब इस बैग को ओपन करके देखते हैं। ये रहा हमारा यूकेलेले। और यार ये बैग कुछ ख़ास नहीं लग रहा क्वालिटी वाइज, क्योंकि बहुत ही हल्का टाइप का है। और आई थिंक मेरे को एक एक्स्ट्रा बैग लेना पड़ेगा इस यूकेलेले के लिए। तो अब चलो इस पे से भी प्रोटेक्शन हटाते हैं। तो भाई ये है हमारा यूकेलेले और काफ़ी ही अच्छा कलर है, काफ़ी ही प्यारा लग रहा है ये कलर, और टच एंड फील भी काफ़ी प्रीमियम है। बाकी अब इसको ट्यून करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको ये कैसा है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने यूकेलेले का फर्स्ट रिव्यू। ठीक है, अनबॉक्सिंग हमने कर ली थी और ये काफ़ी अच्छा कलर लग रहा है यार, काफ़ी मतलब प्रीमियम लग रहा है। वैसे ये है यूकेलेले कैडेंस का, 24 इंच है, कॉन्सर्ट है, कॉन्सर्ट साइज़ कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट से होते हैं, सुप्रानो ये कॉन्सर्ट है, इसके बाद फिर टेनर, फिर बैरीटोन, डिफरेंट ऐसे ये साइज़ के हिसाब से होते हैं। सबसे छोटा जो होता है वो सुप्रानो होता है। और ये जो इसका वुड है वो है मोगनी वुड। वैसे काफ़ी अच्छा माना जाता है यूकेलेले के लिए भी, या मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के उसमें, तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसके अंदर एक इक्वलाइज़र भी दिया गया है, और साइड में इसके एक जैक दिया हुआ है ताकि आप इसको इलेक्ट्रिक वे में यूज़ कर सकें। बाकी इसके अंदर बैटरी नहीं है, इसके अंदर हमें बैटरी अलग से लगानी पड़ेगी खुद से। और ये वाला यूकेलेले मेरे को अमेज़ॉन पे 3000 का पड़ा। वैसे काफ़ी सारे ब्रांड है, कैडेंस से भी हैवी ऊपर भी जाते हैं प्राइस, और काफ़ी ऐसे बजट वाले भी हैं। कैडेंस के अलावा और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि कला मकाला, वॉल्ट, और बहुत से हैं ऐसे, अभी यही याद आ रहे हैं। उन सब की भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, सबके अपने अपने साइजेस के हिसाब से बेस्ट प्राइस जो भी होगा आप उसमें से चेकआउट कर सकते हैं। इसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अमेज़ॉन की। ये आपको ऑलमोस्ट 3300 मैक्सिमम और 3000 के अंडर ये प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको उस प्राइस रेंज पे आपको ये मिल जाएगा। बाकी एक चीज़ और थी, ये जो था ये पूरा पैकेज था, मतलब बैग वैग और ट्यूनर के साथ। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, जो इसके साथ ये ट्यूनर आया था, या तो एज अ फर्स्ट टाइम यूज़र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इससे ट्यून करना, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये हो सकता है शायद से मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ यूकेलेले और ये ट्यूनर इसके, तो मेरे को दिक्कत आ रही हो, शायद से आपको ना आए।
ये एक चीज़ थी, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था जब मैं ट्यून कर रहा था तो स्ट्रिंग्स कौन सी यूज़ हो रही है, क्या आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी थी पॉकेट यूकेलेले ट्यूनर करके, तो उससे मैं आपको एक बार ट्यून करके बताता हूँ। काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ा मुझे, और एक बार जो भी रहेगा आपके सामने एक बार इसको ट्यून करके देखते हैं। बाकी मैंने अभी ट्यून करके अनट्यून कर दिया और मैं इसकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, जो जैसे सामने ही ट्यून होगा उसके साथ ही आपको साइड में ट्यूनर का वो भी दिख जाएगा। तो अभी एक बार इसको ट्यून कर लेते हैं साथ में। ओके, तो हमारा ट्यूनर स्टार्ट हो गया है। तो हमारी जो सबसे पहली स्ट्रिंग होती है ये वाली, ये होती है जी, ठीक है। एज यू सी अभी कुछ नहीं आ रहा है, तो हम स्ट्रिंग्स को थोड़ा टाइट करके देखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रिंग है वो है सी, तो यहाँ पे हम सी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ही लूज़ कर दिया मैंने। ये हमें ग्रीन वाले पार्ट में लाना होता है इस पे, तो इससे हमारा ये रहेगा कि हमारा यूकुलेले ट्यून हो गया है। ओके डन। नेक्स्ट हमारी स्ट्रिंग होगी ई, ठीक है। ओके, अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रिंग है वो है ए, तो ए पे सेलेक्ट करके हम ज़्यादा अगर आप टाइट कर देंगे तो स्ट्रिंग को उस दूसरी साइड चले जाता है, तो हमें सेंटर पे लाना है इसे। ओके डन। और जो यूकेलेले की जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है अकॉर्डिंग टू गिटार, क्योंकि इसकी स्ट्रिंग्स जो होती है वो नायलॉन की होती हैं और गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो होती हैं हमारी मेटल की। तो जब भी हम गिटार में थोड़ी ज़्यादा देर वो प्ले करते हैं तो हमारे ना ये टिप्स पे पेन होने लगता है, और इसके अंदर ऐसी वो दिक्कत नहीं है क्योंकि नायलॉन काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है और ऐसा कोई सच पेन भी नहीं होता है इसमें। और इस प्राइस रेंज के हिसाब से 3000 के अंदर मेरे को ये बहुत ही बढ़िया लगा। और इसके साथ आपको एक कोर्स भी फ्री मिल जाता है, यहाँ पे ऐसे QR कोड होता है उसको आप स्कैन करेंगे तो आपको यूकेलेले की ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, उसके अंदर आपको बेसिक एक कोर्स मिल जाएगा, उससे आप सीख भी सकते हैं, आप अपना भी यूट्यूब से भी ट्यूटोरियल देख के सीख सकते हैं। तो अभी ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था यूकेलेले के साथ, तो अभी इसमें मेरे को कुछ नहीं आता है, तो मैं भी इससे अभी सीखूंगा, उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर लॉन्ग टर्म इसका रिव्यू बनाएंगे, तब देखते हैं हम कितना मैं सीख पाया हूँ इससे और मैं कैसा ये साउंड कर रहा है। क्योंकि अभी तक मेरे को जितना भी मैंने देखा प्ले व्ले करके तो सुना था कि काफ़ी सारे यूकुलेले ऐसे होते हैं कि मतलब आप थोड़ी देर प्ले करो फिर वो अनट्यून हो जाते हैं, पर इसके साथ सच ऐसा कोई प्रॉब्लम लगी नहीं है मुझे अभी तक। तो आगे चल के देखते हैं जब इसका लॉन्ग टर्म हम रिव्यू बनाएंगे, तब देखते हैं ये कैसा साउंड करता है या क्या क्या इसमें दिक्कतें आ रही है इन फ्यूचर। तो दैट्स इट इस वीडियो के लिए, इतना ही। बाकी अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।